बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वेव्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीडियम दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जो वेव है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया या उसकी दो टाइप्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ the propagation of wave itself, mechanical waves may be classified as longitudinal waves or transfer waves। यानी कि वेव प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में हो रही है और उस वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने वेव को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, longitudinal waves और transverse waves में। तो सबसे पहले हम longitudinal waves के बारे में देखते हैं। In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of the propagation of wave। यानी कि longitudinal waves में जो wave के particles होते हैं वो back and forth move करते हैं, जिस direction में wave produce हो रही होती है उसी direction में move कर रहे होते हैं, along the direction move कर रहे होते हैं। Example देखते हैं। longitudinal wave can be produced on a spring, slinky। Spring पे longitudinal waves produce की जा सकती हैं जो कि एक स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद ए रिजिड स्पोर्ट एंड होल्ड द अदर एंड इन टू योर हैंड। उस स्प्रिंग का एक एंड हमने एक रिजिड बॉडी के साथ अटैच कर दिया और दूसरा एंड हमने अपने हाथ में रखा। नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। अब हमने क्या किया, एक रेगुलर पुश एंड पुल हमने अपने हाथ की मदद से इस स्प्रिंग को प्रोवाइड किया। A series of disturbance in the form of waves will start moving along the length of the slinky। तो एक series of waves produce होना शुरू हो जाएंगी इस spring में। जहाँ पर diagram में just एक time पे एक ही push provide किया गया है तो वो wave move करती हुई हमें दिखाई देती है। Such a wave consists of compressions and rarefactions। तो ऐसी wave में compressions और rarefactions मौजूद होते हैं या रेयर फैक्शंस को एक्सपेंशन का नाम भी देते हैं। द कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। सच अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि कंप्रेशन या रेयर फैक्शंस उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस की गई होती है, इस वजह से इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। अब कंप्रेशन और रेयर फैक्शंस क्या हैं? कंप्रेशंस क्या हैं? वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर क्लोज टुगेदर। वो प्लेसेस जहाँ पे जो स्प्रिंग के लूप्स हैं वो क्लोज हों आपस में, तो उनको कंप्रेशंस का नाम देते हैं। इन द रीजन ऑफ कंप्रेशंस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर। और रेयर फैक्शंस क्या होते हैं? वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, जहाँ पे लूप्स के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा हो। इन द रीजन ऑफ रेयर फैक्शंस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। तो इस रीजन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा होता है। वेवलेंथ क्या होती है? The distance between two consecutive compressions or rarefactions is called wavelength। दो consecutive compressions यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance, इसको wavelength का नाम देते हैं। या दो complete rarefactions, दो consecutive rarefactions यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो distance है इसको हम क्या नाम देते हैं? wavelength का। इसके बाद transverse waves देखते हैं। In case of transverse waves, the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके परपेंडिकुलर उस वेव के पार्टिकल मूव करेंगे। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव विद द हेल्प ऑफ ए स्लिंकी, स्ट्रेच्ड आउट अ स्लिंकी अलॉन्ग ए स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड। यानी कि स्लिंकी का जो स्प्रिंग का एक एंड हमने रिजिड बॉडी के साथ फिक्स कर दिया, grasp the other end of the slinky and move it up and down quickly। तो इस स्प्रिंग को हमने अप एंड डाउन मूव करवाया। ए वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ्स विल स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द फिक्स एंड। यानी कि क्रस्ट और ट्रफ अल्टरनेटली प्रोड्यूस होंगे उस स्प्रिंग में। द क्रस्ट एंड ट्रफ मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जो क्रस्ट और ट्रफ हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं जबकि वेव सामने की तरफ प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि जो क्रस्ट एंड ट्रफ हैं वो वर्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं और वेव हॉरिजेंटली प्रोड्यूस हो रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर
वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर कॉल्ड ट्रांसफर वेव्स। तो इस वजह से यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनको ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देंगे। क्रस्ट क्या होते हैं और ट्रफ क्या होते हैं वो देखते हैं। क्रस्ट, द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मेन पोजीशन। क्रस्ट हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, ये मेन पोजीशन है, ब्लू लाइन में दिखाई गई है। तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल्स होंगे उस मीडियम के उनको क्रस्ट का नाम देंगे। और इसी तरह ट्रफ क्या होंगे, हाईएस्ट लोएस्ट पोजीशन पे, लोएस्ट पॉइंट्स जो होंगे मेन पोजीशन से उनको हम ट्रफ का नाम देंगे। और वेवलेंथ क्या होती है, दो कंजेक्टिव ट्रफ्स या दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। अब वेव्स एज ए कैरियर्स ऑफ एनर्जी, वेव्स कैरियर्स ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वेव्स के थ्रू, इसको हमने देखना है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब हम एक स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाते हैं, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग, हम अपनी मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग को। एज ए रिजल्ट, ए सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। तो वो एनर्जी ट्रैवल होती है किस में, स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग क्या करने लग जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है। द वाइब्रेटिंग फोर्स द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट्स देम इन द मोशन। हैंड क्या करती है, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है और वो जो स्ट्रिंग है वो मोशन में आ जाती है। दीज पार्टिकल्स देन ट्रांसफर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स इन द स्ट्रिंग। तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स इन द स्ट्रिंग, मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं जो साथ साथ, उनको वो एनर्जी प्रोवाइड होती है। एनर्जी इज थस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वो जो हैंड के जरिए से जो एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड की गई थी इस वेव्स को, उस वेव्स के इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स अगले पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह ये एनर्जी आगे ट्रांसफर होती होती इस वेव में, वेव इस रोप में वेव की सूरत में प्रोड्यूस हो जाती है। The amount of energy carried by the wave depends upon the distance of the stretched string from its rest position. यानी कि वेव एनर्जी कितनी कैरी करेगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम अपना हाथ कितनी हाइट से या कितने गैप से हम मूव करवा रहे हैं, यानी मेन पोजीशन से हम कितना अप डाउन अपने हैंड को लेकर जाते हैं। दैट इज द एनर्जी इन ए वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी कि जो एनर्जी है वेव में वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है। इफ़ वी शेव द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम जो स्ट्रिंग है उसको फास्टर शेक करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से हिलाते हैं, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव हायर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड, तो वो वेव्स हैं वो मोर एनर्जी पर सेकेंड एनर्जी डिलीवर करेंगे टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को जो के फॉरवर्ड मूव करेगा। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पिछली एग्जांपल में हमने रोप के जरिए से देखा कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, हमारे मस्कुलर एनर्जी कैसे रोप में ट्रांसफर हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और अब हम देखते हैं कि वाटर के जरिए से एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। ड्रॉप अ स्टोन इन टू ए पॉन्ड ऑफ वाटर, हमने एक स्टोन पॉन्ड ऑफ वाटर में पुट किया। वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड। तो जो वाटर वेव्स हैं वो ट्रैवल करेंगी आउटवर्ड। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे हमने एक कॉर्क रखा। व्हेन वेव्स रीच द कॉर्क, जब वेव्स ट्रैवल होते होते उस कॉर्क तक पहुँचती हैं, इट विल मूव अप एंड डाउन अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ द वेव पार्टिकल्स बाई गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। तो वो कॉर्क क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा। उसने मूव एंड अप क्यों मूवमेंट शुरू की, बिकॉज जब वेव्स इस कॉर्क तक पहुंची तो वो जो वेव्स की एनर्जी थी वो इस कॉर्क को मिली, तो कॉर्क अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो गया। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर दैट इज़ वाटर, यानी कि मैटर ट्रांसफर किए बगैर, वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर किए बगैर, जस्ट वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी, अपनी एनर्जी अपने आगे वाले पार्टिकल्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो वाटर एनर्जी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाती है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो हम फाइंड करते हैं।
वेव हैज़ ए स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग, जब वेव ट्रेवल कर रही होती है तो उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर टाइम, वी इक्वल टू डी बाई टी आ जाएगा। इफ़ टाइम टेकन बाई द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू टाइम पीरियड, यानी कि वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है, उसका जो टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड टी का नाम दें, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द वेव विल बी इक्वल टू द वन वेव लेंथ, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना होगा, एक वेव लेंथ की इक्वल होगा, और उस वेव लेंथ को क्या नाम देंगे, लैम्डा का, यानी कि टाइम पीरियड टी से कैपिटल टी हो जाएगा और जो डिस्टेंस डी है वो लैम्डा हो जाएगा, तो वी इक्वल हो जाता है लैम्डा ओवर टी के। द टाइम पीरियड टी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ, टी इक्वल टू वन ओवर एफ, जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो टी इक्वल टू वन ओवर एफ, टी की जगह पे हम वन ओवर एफ पुट कर देंगे, वी इक्वल टू लैम्डा ओवर वन ओवर एफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी इक्वल आ जाता है एफ लैम्डा के। तो ये वो रिलेशन है जो हमने फाइंड करना था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।